गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग मैम. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी दैट इज बेस्ड ऑन वन टॉपिक ऑफ ग्रामर. एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस आई विल नॉट डिस्क्लोज द टॉपिक. टॉपिक नहीं मैं बताऊंगी आपको कि हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं. पहले आप अंडरस्टैंड करो कि क्या आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट उसको कैसे ले रहा है, क्या बोल रहा है. उसके बाद आप समझने की कोशिश करना कि हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है. बट इस टॉपिक में आपको सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे. आपने सेंटेंसेस बोलने हैं बेस्ड ऑन दिस पैटर्न. अब ये पैटर्न कौन सा है? आपने आई है ना सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में आई सब्जेक्ट ले लू अभी, ठीक है. आई का फॉर्मेट क्या है? आई के साथ अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. सेकेंड में आई के साथ एम लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आई एन जी लगाना है. नेक्स्ट आपने अगेन आई लेना है, फिर है लेना है, बट है के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है. तो इनमें से कोई भी पैटर्न आप यूज कर सकते हो. ओके, अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? नो. ओके डन. चलो स्टार्टिंग में आपने एक सेंटेंस आपने बोलना है, बट आपका सब्जेक्ट जो है वो आई होना चाहिए. एनीवन? यस, कम ओवर. आई एम लिसनिंग अ लेक्चर. आई एम लिसनिंग अ लेक्चर. अब कोई स्टूडेंट आओ जो इस सेंटेंस को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सके. यस एनीवन? यस यस, कम ओवर. He was listening a lecture. He was listening a lecture. Very good. Clap for them. Welcome. Yes. Now another sentence with I subject. Any student? Yes. I prepare my test. I prepare my test. Good. Anybody? Yes. Yes. He prepared his test. He prepared his test. Good. Sit down. Anybody else? I do my work. I do my work. कौन चेंज करेगा? Yes. He did his work. He did his work. Good. Next. I am writing a sentence. I am writing a sentence. Good. Yes. He was writing a sentence. She was writing a sentence. Yes. Good. Next. I am going to my home. I am going to my home. कौन इसको कन्वर्ट करेगा? Yes. She was going to her home. Very good. Clap for them. Now another subject. Take it. It ke saath sentence banao. Top. Yes. It is a book. Isko convert karo. Yes. It was a book. It was a book. Very good. Clap for all of you. Well done, Vida. This is actually what you did without knowing the topic. आपने भी टॉपिक नहीं सुना, बट आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया. कैसे किया, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई, वो हम करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. बट इट वीडियो, दिस वीडियो वॉज बेसिकली फॉर द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. यू डिड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट विदाउट नोइंग द टॉपिक. तो घबराना नहीं है, द टॉपिक इज वेरी इजी एंड वी वुड डू another parts, another rules and regulations which we use in this topic in next video. Have a great day.